कर लेंगे और पता चला यहाँ मंथली इसको अच्छे से दिखाएंगे अपने रूम में जाके। फिलहाल महंगा हो या सस्ता हो लोग सब कोई खरीदता है। Hey guys, good morning. This is me, Mansi Gupta, and welcome back to my YouTube channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो अभी हम दुकान पर से आ गए, दुकान पे थोड़ा देर बैठे थे, सत्यम गया था स्कूल तो इसलिए ये दुपट्टा भी रखा हुआ है। बाकी हम अपने साउंड क्वालिटी को वैसे अच्छा लगा था, हम अपने साउंड क्वालिटी को ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फिक्स कर चुके हैं, लेकिन होता क्या है जो वीडियो एक्सपोर्ट होकर आप लोगों के पास चला अगर लाइव हो जाता है तभी जाके ये प्रॉब्लम होता है। पहले से कुछ भी नहीं पता चलता कि साउंड क्वालिटी इतना है, और इतना भी ज्यादा खराब नहीं यार, कान में दर्द हो जाए किसी के, मतलब कुछ भी कमेंट कर देते हैं कोई भी। खैर देखते हैं, आज होगा तो अपने फोन को अपडेट करेंगे, कुछ और फिक्स हो सकता है तो ठीक है। माइक तो मेरे फोन में काम करता है नहीं, आईफोन का अलग ही नौटंकी चल रहा है। और ये जो नया फोन अभी सितंबर में लॉन्च होने वाला ना, उससे पहले क्या होता है ना, पुराने वाला सारे फोन का क्वालिटी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, ताकि हम लोगों को ऐसा लगे अरे नहीं ये फोन खराब हो गया है, यानी कि अब हम लोगों को नया लेना चाहिए। ऐसा ही होता है, ये जो है ना स्ट्रेटेजी है आईफोन बेचने का, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सच में होता आप लोग जाके सर्च कर लेना। कहा तो रहे थे शैम्पू करने के लिए, बट मम्मी उससे पहले बोली कि वो पोहा बनेगा अभी, तो सारा चीज का तैयारी कर दो, तो चलो फटाफट से सब कुछ कट कर देते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे। जब तक मम्मी भी नहा के निकलेगी, वॉशरूम भी खाली होगा तभी हम भी नहाएंगे। मम्मी बस आलू और प्याज देखे, टमाटर वमाटर कुछ नहीं है, ज्यादा महंगा हो गया क्या? गए थे हम टमाटर लाने के लिए, टमाटर खाए नहीं दुकान में, ठंडी का टाइम होता है जिसमें इतना तरह का सब्जी हो जाता है कि लगेगा क्या छोड़े क्या दे क्या नहीं दे। और अभी देखो बस आलू और प्याज के साथ बनाना पड़ रहा है, मतलब आलू और प्याज इज मस्ट, वो हमेशा मिलेगा आप लोगों को, महंगा हो या सस्ता हो लोग सब कोई खरीदता है, लेकिन बाकी हर चीज के साथ कम्प्रोमाइज कर देता है। पोहा रेडी हो चुका है, तो शैम्पू भी कर चुके हैं, और आज का आउटफिट मेरा कुछ ये है, और हम पूरा आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे अपने रूम में जाके। फिलहाल क्या कहते हैं, हमको कपड़ा देना है वॉशिंग मशीन में। अभी पता है टूथपेस्ट को देख के हमको याद आ रहा है कि हम सुबह से जो है ना ब्रश नहीं किए, इतना बिजी इंसान हम ना देखे थे अपने जिंदगी में। गाइस यहाँ लिपस्टिक लगा के ब्रश किया जा रहा है, क्या ही कर सकते हैं। तो आई एम रेडी टू गो, और अभी एकदम बाल वाल भी कंघी वंघी कर लिए, ब्रश भी कर लिए, और ये दुपट्टा रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि आज हम शैम्पू किए और हम नहीं चाहते कि मेरा बाल एक दिन में गंदा हो। यहाँ अभी मेरा ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, देख रहे हो मम्मी सबका निकाल के रखती है, क्या कहते हैं दादी पापा को नाश्ता भी करवाना है, और थोड़ा सा हमको चीनी वीनी भी पैक करके रखना है, सोचे थे कल रात में कर देंगे, बट रात में इतना काम हो गया कि हमको बिल्कुल मौका नहीं मिला। अलग अलग प्लेट में भी ले दिए, तीनों हमको एक साथ दे दिए, यहाँ पे पैसा है, पैसा दे दो, मेरा ऑटो का भाड़ा काम आ जाएगा। अच्छा टमाटर लेने गया, टमाटर नहीं मिला, 20 रुपये बच गया मेरा, 20 रुपये काम आएगा। ईयरबड भी देख रहे हो जहाँ तहाँ रहता है मेरा, और साथ ही में हम ये अपना दुपट्टा और चार्जर भी रख लिए। बाप रे, एक आदमी एक साथ इंसान, लोग देखो देखो इंसान जाए तो जाए कहाँ, मम्मी इधर वाला भी नहीं छोड़ी, इधर वाला भी नहीं। यहाँ सबका नाश्ता ले आए, और उसके बाद करेंगे चीनी को पैक। हाँ फिनाइल भी हो गया, हाँ फेस वॉश तो कर देंगे हम, सोचे नाश्ता भी कर लेंगे, नाश्ता करवा भी देंगे, और चीनी वगैरह पैक करने का तो वो कर लेंगे, और पता चला यहाँ मंथली सामान वाला लिस्ट आ गया जिसका हम काम करने लगे। फिलहाल यहाँ पापा बोले कि तेल निकाल के लाओ, ओ भाई खुल जाओ, 5 लीटर निकाल के जाना है, रुको हम वहाँ दुकान पे चल के बात करते हैं। दोनों दूरा हो गया पापा, इसमें 2 सामान नहीं हुआ, हो गया बाकी। मामा इसको लंच में पैक कर दो, नहीं खा पाएंगे तहरबड़ी में, एकदम हम परेशान हो गए, नीचे जाके चिट्ठा वाला काम किया, फिर चीनी पैक की, एकदम थक गए थे ना कि अब खाना ही नहीं खाया जाएगा कुछ भी, तुरंत आराम से चिल मार के खा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। सच में बहुत ज्यादा थक गया यार, यहाँ लंच में पैक हो गया, पहले बैग पैक करते हैं, उसके बाद फिर बेड सेट को सही करेंगे। बेड को सत्यम जो है ना पूरा एकदम इधर से उधर कर देता है, थोड़ा सा सीरम लगा रहे अपने बालों में। दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। बस ऐसा वाला आराम चाहिए 5 मिनट जिंदगी में, भगवान ने कम मिलेगा।
बहुत ज्यादा है। आज का मेरा ये इलस्ट्रेशन था जिसमें कि अभी तक लिप्स नहीं बनाए। आप लोगों को मेरे वॉइस से बड़ा दिक्कत होता है, सोचे कि चलो अपना जवान ही हटा लेते, तो बस अपना जवान ही हटा लिए वहाँ से। और शादी में किए थे एक छोटे से क्यूट से सूप में पेंटिंग, जिसमें एक प्यारा सा गणेश जी बनाए थे। और अगर इस तरह का सूप आप लोगों को चाहिए तो कला धरा पे जाके आप लोग मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अब आवाज जैसा भी आए ठीक है, हम अपना जुबान तक काट दिया। अब क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते क्या हो? खैर अभी हम निकल चुके हैं ऑफिस से और आज हम एक सूप में काम किए, तो उसमें भी कुछ सारा काम मतलब बहुत सारा काम बाकी है, वॉलिंग होगा एंड प्लास्टिक वगैरह बहुत सारा चीज लगेगा। तो अगर आप लोगों को उस तरह का कुछ लेना होगा तो जाके कला घर आपको मैसेज करो, वहाँ आपको सारा डिटेल दी जाएगा। फिलहाल अभी क्या कहते हैं, हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मम्मी जो साड़ी में कर रही है ना वो कढ़ाई, उसका रेशम वाला धागा सेम कलर का है नहीं, पुराना बहुत पुराना है ना, तो वो थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो गया, तो मम्मी बोली सेम कलर का ले लेना। चलो चलते हैं। देखो आज काफी टाइम के बाद हम अपना वॉच पहने, एक्चुअली मैंने सुबह ले लिया था ये, और कल आके उनको दिया कि लीजिए अपना वॉच, और अभी तक वो अपना लेके नहीं गया। और यहाँ पे इतना ज्यादा इसलिए बोल रहे क्योंकि हमको अपना वॉइस चेक करना है कि अभी सही हुआ कि नहीं, क्योंकि फोन में बहुत सारा चीज किए अपडेट किए हैं और बहुत सारा चीज किया, क्या ही बताए। लेकिन ठीक नहीं होगा तो अब नया आईफोन लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। सुनो तो इधर आओ, ये बच्चा ए बच्ची सुन, चॉकलेट खिलाएंगे, इधर आओ पहले। बच्चा समझदार है, चॉकलेट के नाम से नहीं आएगी। तो यार दो कलर मिला और अभी पीच कलर ढूंढ रहे हैं, पीच कलर। तो तीनों कलर का मिल चुका है यहाँ पे रेशम धागा, साथ ही में यहाँ शॉपिंग भी कर रहे हैं। वैसे राखी बिकने लगा, पूरा राखी का मार्केट सजने लगा। आ चुके हैं दुकान से और यहाँ थोड़ा सा रेस्ट मार रहे हैं, और मम्मी देख रहे हो अपना कढ़ाई चल रहा है मम्मी का साड़ी में, और 5 मिनट रेस्ट किया। और आज वाला वीडियो में अभी तक एडिट नहीं किया, अभी अगर करेंगे नहीं तो घर पे वाईफाई है नहीं, अपलोड नहीं कर पाएंगे, बड़ा टेंशन है भैया। अभी देखते हैं बैठ के एडिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको अपलोड मारेंगे। कल डिनर विनर करके आ चुके हैं और फिलहाल अभी बैठे हैं पेंटिंग करने के लिए, और होगा तो इस वाले दुपट्टे का आउटलाइन फाइनली आज हम कम्प्लीट कर देंगे। 1 घंटा का टारगेट लेके रखे हैं और एकदम इतना फास्ट में हाथ चल रहा है कि हम क्या बताएं आप लोगों को। जितना स्पीड में लिखते थे ना एग्जाम में लास्ट में टाइम बचता था, एकदम वैसे जिसका आउटलाइन कम्प्लीट कर देंगे, उसका फिर कलर मम्मी होगा तो 2 दिन में आराम से फिल कर देंगे। ये 3 दुपट्टा होगा संडे तक, ये 3 दुपट्टा और वो वाला पेंटिंग एकदम फाइनल हमको कम्प्लीट करना, तो करेंगे आप लोगों को हम ना इस पर डिजाइन दिखाते हैं। तो एक साइड दुपट्टे का बॉर्डर कुछ इस तरह किए हैं और इधर का साइड में कुछ इसी तरह का, जो पुराना वाला दुपट्टा में किए थे, मतलब इससे पहले जो इसी के साथ इसी के लॉट में 3 दुपट्टा आया था उसमें एक में इसी टाइप का किए थे, तो इसी तरह कर देंगे और बीच में छोटा छोटा बूटी बना देंगे।